स्पेशल गेम रेडी करी है जिसका ट्रायल अभी हम लेकर गए हैं। अच्छा, ये गेम में 10 राउंड्स होंगे। एक लड़के एक तेरे नाल जाना, तेरे नाल मरूंगा। तो गुड इवनिंग है, सत श्री अकाल है, और एक नई शाम की शुरुआत नए व्लॉग के साथ। तो आज है 30 मार्च, आज भी हमने पूरा दिन कोई व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, कुछ काम में इतने ज्यादा बिजी थे, मैं अपना बिजी था, प्रीति अपना बिजी थी, तो मतलब टाइम ही नहीं मिला। तो बस अब घर जा रहे हैं, तो मैंने कहा आपके साथ व्लॉग स्टार्ट कर लूं क्योंकि कल है 31st और हमारी है 31st को एनिवर्सरी। तो अभी प्रीति से फोन पे बात हुई है, मैंने कहा यार रात को सब आ ही रहे हैं केक काटने के लिए तो सबको कॉल करते, तो प्रीति ने सबको कॉल कर दिया है, अंकित को कर दिया, प्रिया को कर दिया, मम्मी को कर दिया, सोनू और अलीन भाभी को भी कर दिया है, और बिट्टू भैया वरों को भी कर दिया है, जो जो जैसे जैसे अवेलेबल है सब आ जाएंगे और रात को बढ़िया सी केक कटिंग सेरेमनी करेंगे और कल कहीं ना कहीं आराम से डिनर जरूर करेंगे। तो मैंने कहा यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर दें और आपके साथ हर पल हर मोमेंट जो एंजॉय किए ना वो पूरी करते चलेंगे क्योंकि मौसम भी बहुत ज्यादा सुहाना हो रहा है, मजा आ रहा है। मतलब दिल्ली में भी आजकल मौसम पता ही नहीं होता, कभी कितनी गर्मी हो जाती है, कभी कितनी सर्दी हो जाती है, तो हर पल को एंजॉय करना चाहिए। तो अभी तो बस यही था, तो मैंने कहा आपके साथ सबसे पहले सारी चीजें शेयर करूं और अब मिलते सीधा घर चल के। हम पहुंचे हैं घर और घर में कोई नहीं है, तो अपने पास एक चाबी थी, उस चाबी से ओपन करके घर के अंदर आ गए हैं। प्रीति को कॉल किया है, वो कीरत के साथ कहीं गई हुई है, प्रनूर चली गई है पार्क, तो हम घर के अंदर आ गए हैं। और अभी तो शायद कोई चाय पिलाने वाला भी नहीं है क्योंकि सीमा भी 2-3 दिन और भी छुट्टी पे गई हुई है, कह रही है कि मैं 2-3 तारीख को आऊंगी, तो प्रीति आएगी तो चाय मिलेगी, तब तक हम लेटते हैं और चिल मारते हैं। भाई क्या मस्त आंधी चल रही है, आंधी देखो हवा, ओ भाई मस्त हवा, मस्त मौसम। पेड़ कैसे चल रहे हैं, हिल रहे हैं पेड़, कैसे हिल रहे हैं, बाहर मौसम देखा कितना बेहतरीन हो रहा है। हाँ मौसम का मजा आ रहा है बाहर, बहुत मजा आ गया। इस भाई साहब को अंदर बुला लो, ऊपर से ऊपर ऐसे पत्ते गिर रहे हैं। हाँ तो वो है ना फूलों की उड़ानी। शाम के 5 बजे ये हाल है, बारिश इतनी तेज हो रही है, मस्त मौसम हो रहा है, मतलब अल्टीमेट ही अल्टीमेट हुआ भाई। तो ये प्रभनूर लगी हुई है सबको फोन करने में और इनवाइट कर रही है, ये पापा जो रात को प्री एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है ना उसको सबको इनवाइट कर रही हूँ। मैं कहा ठीक है भाई कर ले, बच्चों का मन होता तो हम लोग तैयार होते हैं, हमें कोई मना नहीं है, हम तो वैसे ही पार्टी करने पे बिलीव करते हैं। भाई साहब अपना गेमिंग चैनल ऑन करके बैठे हुए हैं, गेमिंग खेल रहे हैं। मजेदार चीज है, अपनी एनिवर्सरी का केक लेने भी खुद जाओ, और प्रीति कह रही है चलो केक लेके आते हैं, मैं कहा चल भाई चले। तो पहले क्या कर रहे हैं कि थार गाड़ी सोनू ले गया, मतलब अगम ले गया एरोसिटी, सोनू वहीं उतर गया, सोनू ने वहाँ से अश्नीत को भेजा I-20 में, तो अश्नीत आ रहा है उस पर ड्रॉप करेंगे और मैं और प्रीति केक लेके फिर एक ही बार वापस आएंगे। ने करी हुई है खूब कमाल, पानी पानी रे, और पानी के साथ इधर खूब कीचड़ रे। तो अश्नीत को छोड़ दिया हमने। हाँ क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, सामान रह गया। हाँ ले ले कपड़े ना। तो अश्नीत को छोड़ दिया है, अब प्रीति के साथ कीरत और प्रभनूर भी आ गए थे, ये कह रहे हमने भी जाना है, तो अब हम जा रहे हैं सीधा केक लेने के लिए, केक लेके वापस घर पहुंचेंगे और रेस्ट करेंगे। हाँ बता ही दिया था यार कि एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, छोटी सी स्वीट 16 हो गए हमारी एनिवर्सरी को, तो अब केक ले लेते हैं फिर इनको मिलते हैं आराम से। खूब रश लगा हुआ है वापस जाते हुए, क्या हाल होगा प्रीति तुम्हारे चक्कर में मैं आ तो गया। हम उस रूट से चले जाएंगे, उधर जाम नहीं होगा, जाम उधर भी होगा। प्रीति पहुंच गई केक डिजायर के अंदर और मैं गाड़ी पार्क करके आया हूँ। हाँ ले लिया, तेरे को क्या चाहिए, चॉकलेट, इतना पीटूंगा ना तुझे मैं। हाँ क्या चाहिए, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे, चल भाई जोन सा मर्जी ले ले, मैंने तो खाना नहीं। ये यार एक तो ये है, कोई भी ले ले मुझे नहीं खाना, काटना सिर्फ। वेरी गुड, वो नहीं आ रही गाड़ी में, वो वाला कर दो भैया।
आगे मिर्ची ले गए। यहाँ ये थार खड़ी है, कह रही है मैं भूल गई। और ये क्या करने लगी थी पता है, क्या करने लगी थी पता है? थार का दरवाजा खोलने लगी थी। ये थार में बैठने लगी थी फिर से। बैठने नहीं लगी थी। तो दरवाजा खोलने का मतलब क्या होता है? मैंने कहा मैं एकदम, तुम यहाँ खड़े थे, मेरे को लगा थार अपनी खड़ी है। चलो तो भाई ये हाल हुआ हुआ है। ऑफ रोडिंग करें गाड़ी लाके? हाँ किरत, ऑफ रोडिंग कहाँ पे? वो फंस गई भाई, तेरा वजन है इतना, दब जाएगी हर चीज, समझा कर। ये रास्ता पक्का है, ये पक्का रास्ता है, ये पक्का रास्ता है। चलो क्या क्वेश्चन आ रहे हैं बताओ भाई, बता। एक मिनट सुनने दे, पहली पहली पहले मम्मी को बता देना। मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा, बताओ कैसे? मैंने एक मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा, बताओ कैसे? मरी हुई बिल्ली चलेगी कैसे? अब मैं बताऊं? गलत। मैं बताता हूँ, चलते हुए मैं रहा था, बिल्ली जो मरी हुई थी। नहीं देखो, मैंने एक चलती हुई, मैंने एक मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा, यानी कि मैं चल रही थी, बिल्ली तो मरी हुई थी ना। हाँ अब आपसे पूछो। एक बकरा है जो दूध इंडिया का, जो घास इंडिया की खाता है और पानी पाकिस्तान का पीता है, तो उसके दूध पे हक किसका हुआ, इंडिया का या पाकिस्तान का? क्या चीज दोबारा? एक बकरा है, हाँ, वो जो घास है वो इंडिया की खाता है, हाँ, जो पानी है वो पाकिस्तान का पीता है। पानी पाकिस्तान का पी नहीं सकता? अरे पर वो पीता है ना। पाकिस्तान पानी हमारा पीता है। नहीं ना, रिडल है। वो घास इंडिया की खाता है और पानी पाकिस्तान का पीता है, तो उसके दूध पे किसका हक होगा, इंडिया का या पाकिस्तान का? क्या चीज बकरा है? बकरा दूध कैसे देगा पहले तो बता। तेरी तेरी माँ नहीं है ये, तेरा प्यो है, समझी? और अब मैं पूछता हूँ, तेरी माँ तो सोच रही थी कैसे होगा, है ना? अच्छा अब एक मैं पूछता हूँ, एक कटोरी तीन चम्मच, बताना क्या है? बताओ पहली है, है? ओ भाई अच्छा, कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। अच्छा एक चीज और बताओ, निक्का जा पाई वो खिंच के निकल लाई, केला, केला, ये मुझे पता है। टेढ़ी मेढ़ी सड़क बीच में खड्डा, कान, कान। ओके एक और है पहली ना, हाँ, 32 चोर हैं और उनके बीच में लड़की डांस कर रही है, दांत है 32 और जीभ है, वो लड़की नाचते हैं। नूर आई है कुछ बताने के लिए, बोलो। आपको पूरे घर में एक गिफ्ट ढूंढना है, जो जीतेगा वो गिफ्ट उसका, जो मैंने बनाया बनाया, मतलब तेरा बना गिफ्ट हम लेंगे क्या, कोई खरीदा हो तो ढूंढ भी ले। अच्छा और गिफ्ट के नाम पे बंदा तैयार होने चली गई है, तो ये तैयार होके आ गई है लिपस्टिक पॉलिश लगा के। इसमें सबके पॉइंट लिखे जाएंगे, ये है मम्मी का, ये है पापा का, पापा के पॉइंट लिखे जाएंगे क्रोशिया टिक पे, मम्मी के पॉइंट लिखे जाएंगे क्रोशिया टिक पे, जिसके सही जिसके ज्यादा टिक हुए या जिसके क्रॉक्स ज्यादा है। क्रॉक्स क्या होता है? क्रॉक्स ज्यादा है तो वो हार जाएगा, ठीक है? टिक ज्यादा है तो वो जीत जाएगा, तो मैं ही जीतूंगा फिर। तो ठीक है मम्मा, इधर ध्यान दीजिए। कोई भी मुंह से साउंड निकालनी पड़ेगी सबसे पहले आंसर देने के लिए, क्वेश्चंस कॉमन है तो साउंड कोई फनी साउंड निकालनी है, और जिसकी साउंड पहले आएगी वही आंसर क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा। साउंड कैसे निकालनी होगी? कोई भी फनी साउंड, कुछ भी फनी, पर जिसकी पहले आएगी वो आंसर देगी, ठीक है? और पॉइंट्स मिलेंगे और आपके गिफ्ट के लिए। गिफ्ट में चीज अच्छी होनी चाहिए। हाँ चॉकलेट है। क्या है? ये पहले गिफ्ट बता देता है, हमारा ऐसा पुत्र है। अरे नेचुरली है, हमें सिर्फ वो इसलिए है क्योंकि घर में सिर्फ वही है जो ये लोग वाले अभी तक खाई लिए है।
कोई और होती तो हमसे खत्म होती, जो हमारे पल ले आएगी। नट्स वाली है ना? नहीं नट्स नहीं है, अच्छी है नट्स। मम्मा फोन बंद करो ना। हां मेरा लेवल भी हो जाएगा ना कंप्लीट। आप बोलो बोलो बोलो, फोन दे दो अपना। चलो बताओ पूछो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वन मिनट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन, दो सुंदर लड़के दोनों एक रंग के, एक बिछड़ जाए तो दूसरा काम ना आए। क्या ऐसे आवाज दी ना मैंने? मम्मी नहीं, जो जब आंसर आता तभी आवाज निकलती। अच्छा ऐसा नहीं था, अच्छा दोबारा पूछ लो फिर। यस मैंने फनी साउंड दी थी ना, ठीक है। दो सुंदर लड़के, सुन लो दो सुंदर, तू आगे बताओ मेरे से पिट मत जाइयो। मैं तेरी गल के देख के हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है, ऐसे लगे तो चेस्ट वाले कपड़े पहन कर आके है। दो सुंदर लड़के दोनों एक रंग के, एक बिछड़ जाए तो दूसरा काम ना आए। पेड़। रॉन्ग। अब आप आंसर नहीं दे सकते जब तक वो आंसर नहीं आएगा। इसको तो आता ही नहीं होगा, मुझे नहीं आता तो इसको कहां से आएगा। दो सुंदर लड़के दोनों एक रंग के, दो सुंदर लड़के एक जाए तो दूसरा काम ना आए। कोई क्लू दे सकते हो? नहीं। इसको मैं तो नॉर्मल आंसर आते। मुझे तो दिया नहीं, इसको इंडिगो मिलेगा? अब तो हो गई घोड़ा ना बन। क्या क्या वेयर डेली वेयर करते हैं? जो डेली वेयर, दो सुंदर लड़के दोनों एक रंग के, एक बिछड़ जाए। मैं फुटवेयर, जूते। एग्जैक्टली। ये दोनों एक रंग के होते हैं, वो बिछड़ जाते हैं। आपको एक हिंट मिलेगा गिफ्ट के लिए। पर लड़के क्यों बोले? लड़कियां भी तो हो सकती है। जूती भी होता है, जूती भी होता है। मतलब समझो क्या इसका मतलब है कि यू हैव टू लीव दिस रूम। तेरे को कमरा छोड़ना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए, तेरे को ढूंढने के लिए कमरा छोड़ना पड़ेगा। मेरे तो हाथ सूज गए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की के पास वो कौन सी चीज है जो उसके पास शादी से पहले भी होती है और शादी के बाद भी? आगे माँ बाप। अरे नहीं आगे सुनो। ये क्या था, ये हंसी क्या थी? ये साउंड था, मैं भी चिल्ला रहा था। तो फनी साउंड है, फनी साउंड। लड़की के पास वो कौन सी चीज है जो उसके पास शादी से पहले भी होती है और शादी के बाद भी होती है, पर शादी वाली शादी के बाद भी होती है, शादी के पहले भी होती है, पर शादी वाले दिन नहीं होती। नहीं 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 तू चुप हो जा भाई, माफ कर। शादी से पहले भी होती है, बाद भी होती है, पर शादी वाले दिन नहीं होती। व्हाट इज इट? मंगलसूत्र। शादी वाले कैसे होता है? और ऐसे आने के बाद अपनी आवाज निकालो। कोई क्लू नहीं इसमें? नहीं, ये मम्मी को पता होगा। इधर हट जा, फिट जाएगा, पहले हट। मम्मी को कुछ नहीं पता होता, ये गूगल करती है। अरे शादी 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 से पहले तो नहीं। आपके पास शादी से पहले क्या था? शादी वाली की बात भी था, पर उस दिन नहीं था। क्या था उस दिन? नहीं था मेरे पास। ये मेरा क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, पर कोई बात, इसका आंसर तब भी है। शादी आंसर बताइए फिर मैं क्वेश्चन चेक कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, एक लड़की के पास ऐसी कौन सी चीज है, इनसे भी पूछो, ये भी कुछ जवाब दे। मैं ये ओपन में कैसे बोलूं, कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ बंद करने में बोलना चाहती हूँ। बोलू इसको बंद कर। इसके आंसर में लेटर एन आता है। एन आता है? नोज। 90 नाइट ईयर्स। कैसे क्वेश्चन पूछ रहे बच्चे यार? क्या क्वेश्चन है? एन से नोज पे नजर होती है वो। नहीं, ओके, एक नहीं, 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 नहीं। अब जिसने पहले साउंड निकाल के आंसर दे दिया उसका। ऐसे नहीं, पहले सुन लो, ये ड्रा देती है। नेम से रिलेटेड है।
नानी बताओ क्लू दो नेम से रिलेटेड है ये हिंट है नाम से रिलेटेड है वो चीज क्वेश्चन फिर से सुन रहा हूँ नाम ही है लड़की के पास वो कौन सी चीज है जो उसके पास शादी से पहले भी होती है और शादी के बाद भी होती है पर शादी वाले दिन नहीं होती नेम हिंट है क्या आंसर है सर नेम शादी वाले दिन बदल जाता है क्या बदल जाता है कैसे बदल जाता है शादी हो जाती है कहाँ शादी हो जाती है पापा की फैमिली चले जाते हो जैसे इस फैमिली हो गया कि कौन चला जाता है आप मैं हर फैमिली में घूमती रहूंगी सीधी से चंदोक हो गए अच्छा लड़कियों की बात कर रहा है मुझे लगा कि खाली माँ की बात कर रहा है काली है पर काग नहीं लंबी है पर नाग नहीं बल खाती है पर बोला है तू बता दे पहले मैं आधे क्वेश्चन में बताता हूँ लंबी है कि नाग नहीं है प्रीति ये था आंसर तुमने अभी तक किसी का भी आंसर का जवाब दिया ढंग से सिर्फ एक मैंने दिया है हाँ लंबी है पर आगे क्वेश्चन फिर से बोलो काली है पर काग नहीं लंबी काली है पर कार नहीं कार काग काग की मात्रा ग काग क्या होता है भाई काग मतलब राख काग क्या होता है काली है पर काग काग का मतलब बताओ पहले आगे क्वेश्चन पढ़ना बताओ क्वेश्चन तो सुनो काली है पर काग नहीं लंबी है पर नाग नहीं नाग नाग नागिन ठीक है बल खाती है पर डोर नहीं बंसती है पर डोर नहीं बताओ क्या पतंग नहीं बड़ा आया चीची चीची कर रही है इतनी बार चीची चीची कर दी कीड़ा सुजू करने चला गया बैलून डोर 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 परांदी क्लोज साउंड नहीं निकाल रहे मैं नहीं दूंगी रिबन साउंड रिबन नो मेरा आंसर चोरी करती है परांदी क्लोज रस्सी मैंने अभी बोला है बल खाती है पर डोर नहीं बल खाती काली है पर कार नहीं लंबी है पर नाग नहीं बल खाती है पर डोर नहीं बनती है पर डोर नहीं बताओ क्या पगडंडी साउंड चाहिए मुझे मुझे रास्ता होता है ऐसे वाला कौन सा पगडंडी नहीं पगडंडी बाल क्या बाल छोटी आंसर है पर ये अभी तक तुमने क्या आंसर दिया बाल और छोटी में फर्क नहीं होता एक ही चीज होती है हेलो महाराज मैं पता आंसर मैं आंसर क्यों नहीं दे रहा इस करके आंसर नहीं दे रहा जो इन्होंने छुपाया वो मुझे ढूंढ के खाना तो है नहीं तो मैं ढूंढूं खराब खराब करूं ये अपने आप ढूंढेगी और करती रहेगी ये कब कर रहा है सब ये इसके बाद करना है ये ढूंढना कितने क्वेश्चन है अभी चलो तो ये पूछ पूछ मैं नहीं खेल रही हूं मजा आ रहा है सब एंजॉय करेंगे मैं नहीं खेल रही बोल ना पूछ आंसर हो गया पहले क्वेश्चन तो पूछ आप आंसर नहीं दोगे वो देंगे क्वेश्चन तो पूछ आप आंसर अच्छा बोल ना पूछ वे क्या है जो हमेशा बढ़ती रहती है लेकिन कभी कम नहीं होती है हेलो मैं बताऊं उनको नहीं आता बताओ मैं बताऊं बताओ उमर एज यस नलायक क्या फायदा हुआ पढ़ने का तो भाई गेम अभी भी चल रही है और मैं थक चुका हूँ मैंने सारे आंसर प्रीति को बता दिए थे ये बताई जा रही है तो अभी भी कंटिन्यू है चल रही है कुछ सारी गेम है ना एक्चुअली सारे क्वेश्चन दिखा नहीं सकते बहुत लंबा हो जाएगा तो इस करके आप एंजॉय करो तो ये अंकित आ चुका है प्रिया आ चुकी है मम्मी आ चुकी है तू बनाएगी अभी तक नहीं पूछा था भाई बनी होगी बड़ी बड़ी बनी हुई देरी होगी पल्ले से नहीं बनाने वाली कुछ बरसी मुंह चंगा जी मुंह पैड़ा बच्चा भाग गया आपके दिल मैं लिख जाऊंगी शादी का बर्थडे
नजर ना लगे किसी की। ये कुछ और ही लग रहा था। नहीं तूने ऐसे नहीं किया उसके। ओ प्रीति मैं दिखा रहा बेटे पीछे मुड़ के। प्रीति पीछे कुछ छाड़ दे। चल रहा है केक मस्त। अभी कुछ लोग मिसिंग है। बाय 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 बाय। पकड़ प्रिया कुर्ते मैं पाना सूट तेनू पाने पैने ने साथ कीते संग।